नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। अब समय हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर रुख करते आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत सितंबर के माह में 842 रुपए है। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाले सिलेंडर पर केंद्र सरकार द्वारा 334 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, वहीं शेष 508 रुपए की छूट प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। इस पर प्रति सिलेंडर खाते में धनराशि भेजे जाने की विनियम दर 50 पैसे भी शामिल है। अगली खबर की ओर रुख करते आपको बता दें, बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल के परिवार के आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वहीं पीड़ित परिवार सीएम से मुलाकात कर दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई कराने की मांग की है। वहीं मृतक की पत्नी का कहना है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, तभी उन्हें संतोष मिलेगा। तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। यूपी के सभी 10 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। बता दें, उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और अगली खबर की ओर चलते आपको बता दें, एसिड अटैक की शिकार काजल यादव ने एक दिन के लिए जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला और जनसुनवाई करते हुए विभिन्न विभागों को शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अभियोजन शाखा और महिला कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बता दें, काजल ने महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामलों में तुरंत दोषियों को सजा दिलाने, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया। और आखिरी खबर की ओर रुख करते आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब केवल सत्तासीन भाजपा को ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी है। माना जा रहा है कि पार्टी में कई दावेदारों की उम्मीदवारी जताने के कारण इसमें समय लग रहा है। सूत्रों के अनुसार सहमति न बन पाने के कारण पिछले दिनों 3-4 नामों का पैनल दिल्ली में पार्टी नेतृत्व को भेजा गया था। ऐसी उत्तर प्रदेश की ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।